हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, रोज़ की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज प्रैक्टिस लेकर के आपके समक्ष आ गई हूँ। ये यूथ कंपटीशन के चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। इस समय जो चैप्टर 2 स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी खेल समाजशास्त्र का पार्ट नंबर 3 है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सोचते होंगे कि अभी MP सुपर टेट वर्ग 2-3 का नोटिफिकेशन नहीं आया एंड UPTGT एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ऐसा सोच के मत रहिए। आप प्रिपरेशन डेली बेसिस पे करते रहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए तुरंत एग्जाम करा दिया तो अब क्या करेंगे। एंड बिहार या स्टेट का आप तो फॉर्म अप्लाई किए ही हैं, तो इसका प्रिपरेशन कीजिए। एंड जो भी आपने भविष्य में सोचा है कि हम ये करेंगे, हमको करना है, अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के थ्योरी सेशन, सभी टॉपिक के चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, सभी फ्री में अवेलेबल हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन है, जो सोशियोग्राम है किसका माप करने का एक साधन है। तो दोस्तों, सोशियोग्राम जो है समूह के सदस्यों के बीच संबंध और आकर्षण को माप करने का एक साधन है। यानी किसी समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच आकर्षण एवं संबंधों को चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने का साधन सोशियोग्राम है। सोशियोग्राम समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति किए गए व्यवहारों का एक आलेख है। सादे कागज पर चित्र बनाकर दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स बेस पे। अभी कथन ए है दोस्तों कि किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क के भावनात्मक या सामाजिक नेटवर्क में परिवर्तनों का परिणाम समस्याओं के स्वविनियमीकरण के रूप में सामने आता है। ये बात तो सही है दोस्तों, किशोरावस्था में परिवर्तन आता है। एंड इसका तर्क में आर है कि किशोरावस्था के दौरान ऑक्सीटॉक्सिन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण भावनात्मक और सामाजिक उत्तेजनाओं में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा की पहचान के लिए निम्न में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, किसी की आप प्रतिभा को पहचान कर रहे हैं, तो ये चार ऑप्शन है जिसमें से तीन आपको उसमें विचार करना चाहिए बट एक पर विचार नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं विगत, ऑप्शन नंबर ए है कि विगत में प्रशिक्षण की प्रकृति और अवधि, यानी पहले वो प्रशिक्षण कैसा किया है, उसकी प्रकृति और अवधि क्या है, उसको देखेंगे, ये बात राइट है। बी है बच्चों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अवश्य इसको देखेंगे, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है इसको भी देखेंगे, बट बच्चे की भावुक दशा को नहीं देखेंगे, उसके भावुकता के आधार पर उसकी पहचान नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए है कि मादक पदार्थों में रासायनिक तत्व होते हैं और उनका नैदानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। एंड दुर्भाग्यवश अनेक एथलीट अनैतिक और अवैध तरीके से अपने प्रदर्शन के संवर्धन के लिए प्रतिबंधित चीज़ों का सेवन करके मादक पदार्थों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये बात तो राइट है दोस्तों। एंड आर इसके में तर्क है कि धूम्रपान और मद्यपान के बुरे प्रभाव जानने के बावजूद अनेक लोग उनका सेवन करते हैं, तो एथलीटों को मादक पदार्थों के सेवन से क्यों रोका जाता है, केवल विजेताओं का महिमा मंडन किया जाता है, इसलिए उन्हें किसी भी तरीके के प्रदर्शन के संवर्धन के लिए अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे फिर अभिकथन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मनोरंजन कार्यक्रमों में भागीदारी पारिवारिक जीवन, रोजगार और सामुदायिक भागीदारी के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सही बात है दोस्तों।
एंड इसके तर्क में आर है कि मनोरंजन कार्यक्रम स्वैच्छिक है, ये सही बात है। सुखद गतिविधियां हैं, भी सही है, जिनसे एकाकीपन और अलगाव का भाव कम होता है, सही बात है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विद्यालयों में निम्नलिखित बाल देख रेख योजनाओं आरंभ होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे भारत में विद्यालय के बाल देख रेख योजना के आरंभ में सही क्रम में कौन कौन योजनाएं आया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट रहेगा। सबसे पहले आया आपका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, फिर डी विशेष पोषण कार्यक्रम, फिर आपका आया बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, फिर उन्नत पोषण कार्यक्रम, जिसमें से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है वह 1995 में एंड विशेष पोषण कार्यक्रम 1970-71 में, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम 1970 में, उन्नत पोषण कार्यक्रम ए आपका 1970 में लाया गया। एंड इसको आप पढ़ सकते हैं अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दोनों को मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे तो आपका एक क्वेश्चन जो है दोनों को एक दूसरे से मिलान करना है, तो ये यूजीसी नेट का पेपर है, क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या किसको मिलाना है। तो पहला है ए है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, सबसे पहले उसी को हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो देख सकते हैं ए का जो है 1 होगा। ए क्या है, आत्मनिर्भरता व्यवहार परक परिवर्तन का एकीकरण सिद्धांत किसने दिया था, तो बंडूरा ने दिया था, किसने दिया था, बंडूरा ने दिया था। एंड बी है लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण का मूल्यांकन किसने दिया था, बर्टन ली ने दिया था, ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा। सी है खेल कूद में मनोन्नत सिद्धांत को किसने दिया था, आर्लिक टी ने दिया था, 3 सी का 3 हो जाएगा। एंड डी है व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य को किसने दिया था सिद्धांत, तो मुरंगा डब्ल्यू पी ने दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। एंड नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलान करना है सामुदायिक मनोरंजन, संस्थागत मनोरंजन, चिकित्सीय मनोरंजन एंड वाणिज्यिक मनोरंजन, यहाँ पे कौन सा राइट है आपको देखना है। तो दोस्तों सामुदायिक मनोरंजन जो है ग्रामीण और शहरी मनोरंजन के अंतर्गत आता है, संस्थागत जो है विद्यालय और महाविद्यालय में जो मनोरंजन होता है वो आ जाता है, तो ए का 2 हो जाएगा एंड बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 बी का 1। एंड देखिए जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में आ जा रहा है ए का 2 बी का 1। एंड चिकित्सा मनोरंजन में क्या होता है, चिकित्सालय में होता है, तो सी का 4 हो जाएगा। एंड वाणिज्यिक मनोरंजन जो होता है, मनोरंजन पार्क जो होते हैं वो होते हैं, तो डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स बेस पे है, अभिकथन है दोस्तों कि समाजीकरण एक मौलिक सामाजिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक को प्रभावित करता है, क्योंकि यह एक साधन है जिसके द्वारा मूल्य धारणा और व्यवहार प्राप्त किया जाता है। एंड इसके संबंध में तर्क आर है कि खेलकूद को एक सामाजिक संस्थान के रूप में देखा जा सकता है और इसका परीक्षण शैक्षणिक प्रणाली जैसे अन्य सामाजिक संस्थानों पर इसके प्रभाव के संबंध में इसका परीक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों दोनों बात तो सही है ए और आर, बट आर जो है आर को ए के तर्क में बताना चाहिए था जो तर्क में नहीं बताया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है बट लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है दोस्तों कि समाज में चिकित्सीय हस्तकौशल को स्वीकृति मिल रही है, समानता हस्तकौशल सामान्य गति में वापस लाने तथा अशांत जैव यांत्रिकी के गौर दर्द को समाप्त करने की दिशा में काम करता है,
तो बात सही है दोस्तों। इसके संबंध में तर्क आर क्या देता है कि हस्तकौशल संबंधी व्यायाम हमेशा जोखिमपूर्ण होते हैं, ये बात तो गलत है, और इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जिनसे अनेक आंतरिक जटिलताएं पैदा होती हैं। तो ये सीधे सीधे गलत बता रहा है आर वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका रही सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए है इसमें कि शिक्षा के माध्यम से मूल सहज व्यवहार को सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार के रूप में अशोधित किया जा सकता है, ठीक है। एंड आर है इसके संबंध में कि किशोर लड़के लड़कियां सह शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में एक दूसरे को आदर देना सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो सही है दोनों चीज़ें, बट जो आर है उसको एक की स्वीकृति में बताना चाहिए कि मूल व्यवहार कैसे स्वीकृत व्यवहार हैं, तो ये नहीं बताया है, बाकी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलाना है, मिलान करना है, तो आप देखेंगे आरंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों आरंभिक बाल्यावस्था क्या होता है, ये प्रथम शारीरिक कायांतरण होता है। क्या होता है, प्रथम शारीरिक कायांतरण होता है आरंभिक बाल्यावस्था में। एंड अंतिम बाल्यावस्था में क्या होता है दोस्तों, रोल मॉडल का दृष्टि अनुगमन होता है, किसी का रोल मॉडल किसी को अपना आदर्श मान लेता है कि हमको इसी तरह बनना है। एंड मध्य बाल्यावस्था क्या होता है दोस्तों, अधिकतम कदम बारंबारता की प्राप्ति करना चाहता है। और यौनावस्था में द्वितीय शारीरिक कायांतरण होता है, दूसरी बार शरीर में चेंजेज आते हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस आते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सूची ए के टू के साथ मिलान करना है, तो यहाँ पे आप देखना है कि खेल का आर्थिक लाभ क्या होता है। दोस्तों आर्थिक लाभ यही हो सकता है कि लोगों के लिए रोजगार का अवसर दिया जाए, यही आर्थिक लाभ हो सकता है। और खेल का सामाजिक लाभ क्या होता है दोस्तों, अपराध में कमी, ठीक है, समाज में जब अपराध में कमी रहेगा वो सामाजिक लाभ है, एक दूसरे के मिलजुल कर रहेंगे, खेल भावना उत्पन्न होगा। एंड सी है खेल का राजनीतिक लाभ क्या है दोस्तों, तो राजनीतिक लाभ क्या है कि मानवाधिकार का विषय समझेंगे वो सब कि क्या है, ठीक है, तो सी का फोर। एंड खेल का भूमिका प्रतिरूप क्या होगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा ए खेल के प्रदर्शन की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति खेल का भूमिका प्रतिरूप रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नीचे प्रतिभा की पहचान और विकास के चरण दिए गए हैं। क्या दिया गया है, प्रतिभा की पहचान और विकास के चरण दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूटों से सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे चार चीज़ें दिए गए हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं कि दो स्पर्धाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना, एकल स्पर्धा हेतु प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करना, उन बच्चों की पहचान करना जो खेल समूह में प्रतिभाशाली हैं, खेल कूद के लिए बच्चों का पता लगाना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे दोस्तों कि हम पता लगाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे खेल कूद के लिए उपयुक्त बच्चे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो डी हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उन बच्चों की पहचान करना चाहेंगे जो खेल समूह में प्रतिभाशाली हैं, उसके बाद सी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, दो स्पर्धाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करेंगे, फिर दो स्पर्धाएं लेंगे, फिर देखेंगे कौन किस चीज़ में परफेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, एकल स्पर्धा हेतु प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे कि समूह ध्रुवीकरण, ए है समूह ध्रुवीकरण, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री कि समूह अंतर क्रिया किंतु मन बदले बिना मूल विचारों को बनाए रखते और उन्हें सुदृढ़ करना होता है समूह ध्रुवीकरण। एंड बी है सामाजिक सरलीकरण, सामाजिक सरलीकरण क्या है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे राइट होगा, बी का फोर
सामाजिक सरलीकरण जो है एक कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए या बाधित करने के लिए दूसरों की उपस्थिति है। एंड सी है समूह सोच। क्या है समूह सोच? इसका आपका होगा पहला समूह गतिकी, जो समूह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है और विनाशकारी हो सकता है। एंड डी है सामाजिक आवारागर्दी। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू, सामाजिक आवारागर्दी के अंतर्गत समूह में उत्तरदायित्व नहीं होने के कारण ढीला पड़ना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो देखते हैं सरकारी एजेंसी, स्वैच्छिक एजेंसी, निजी एजेंसी, व्यावसायिक एजेंसी, इतने सारे दिया गया है एजेंसियों के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। तो देखेंगे सरकारी एजेंसी, सरकारी एजेंसी का होगा ऑप्शन नंबर टू कि स्थानीय व्यक्तियों और संस्था के लाभ के लिए प्रावधान, सामग्री और परामर्श सेवाएं किसमें आती हैं? सरकारी एजेंसी में आती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इसका होगा वन कि सहयोगों, क्या है ऑप्शन नंबर बी? स्वैच्छिक एजेंसी, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से बनाया हुआ, सहयोगों के माध्यम से कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने और सुविधा देने की लागत को व्यापक रूप से तय किया जाता है स्वैच्छिक एजेंसी में। एंड दोस्तों निजी एजेंसी, सी है निजी एजेंसी, जिसका ऑप्शन नंबर फोर राइट होगा कि श्रमिकों के परिवारों और उनके समुदायों एवं नियोक्ताओं के लिए खुला होता है निजी। एंड डी है व्यावसायिक एजेंसी, व्यावसायिक एजेंसी में क्या होता है? ये इसका हो जाएगा थ्री, मन बहलाओं के माध्यम से सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक पहलू गुणों के विकास की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों कौन सा सामाजिक पहलू के गुणों के विकास की व्याख्या करता है। यहाँ पे पांच ऑप्शन है जिसमें से आपको छांटना है कि कौन कौन है सामाजिक पहलू गुणों के विकास की व्याख्या। तो सबसे पहले सामाजिक पहलू का जो गुण होता है, समायोजन का होता है, सहयोग का होता है, नेतृत्व का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बी सी एंड डी। नहीं दोस्तों, यहाँ पे बी सी डी नहीं राइट होगा, यहाँ पे आपका होगा नेतृत्व, समायोजन और सहयोग। तो ई ए और बी कौन सा राइट होगा? ई ए और बी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेतृत्व का मतलब होता है दोस्तों कि व्यवहारिक गुणों का वह संग्रह जिनके सहयोग से व्यक्ति किसी समूह का नेतृत्व करता है। समायोजन का मतलब होता है मानव की वह अवस्था जब सामंजस्य की स्थिति न होने पर सामंजस्य स्थापित करना। एंड सहयोग क्या होता है? किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना ही सहयोग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन ए है कि मानवतावाद अव्यक्तिकता के विरुद्ध एक विद्रोह है। मानवतावाद अव्यक्तिकता के विरुद्ध क्या है? एक विद्रोह है जिसके आविर्भाव से मानव एक व्यक्ति के रूप में उदय हुआ, बात राइट है। इसके संबंध में तर्क आर है कि मानवतावाद हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है उससे व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास, पूर्ण संतुष्टि, भागीदारी एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों राइट हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं मानवतावाद के बारे में कि मानवतावाद एक दार्शनिक और नैतिक रुख है जो मानवों की मूल्य और एजेंसी पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बल देता है और आमतौर पर हठधर्मिता या अंधविश्वास की स्वीकृति पर महत्वपूर्ण सोच और सबूत को पसंद करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है दोस्तों कि मानव जाति अद्वितीय है, विशारिक, मानसिक तथा व्यवहार परक अभिलक्षणों के संयोजन से संपन्न होते हैं जो उन्हें मानव के रूप में पहचान देते हैं तथा उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करते हैं।
ठीक है। तो ये बात सही है, कारण है इसका आर है कि लोग समान भी होते हैं तथा भिन्न भी होते हैं। सही बात है, बहुत लोग समान भी होते हैं भिन्न भी। उनकी भिन्न भिन्न जैविक तथा अनुभविक पृष्ठभूमि होती है, तथापि उनमें कुछ ऐसे समान शारीरिक तथा मानसिक गुण भी होते हैं जो उन्हें जानवरों से अलग बनाते हैं। ये दोनों बात राइट है दोस्तों, बहुत अच्छा कथन है, दोनों बात यहाँ पे राइट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका है, ए और आर दोनों सही हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिकथन ए है कि स्कूल प्रशासन से स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्यचर्या के लिए समुचित पहल करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, समुचित पहल करने की अपेक्षा की जाती है, तो बात सही है। एंड तर्कार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने स्कूली शिक्षा के अधिगम प्रक्रिया में सारी शिक्षा और खेल कूद को सम्मिलित करने की सिफारिश की। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र का आत्म प्रेरित होना और आजीवन गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना तब है जब छात्र कैसा हो? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, तब संभावना है उसको जब वह एक छात्र जो है एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए ज्ञान कौशल और मनोवृत्ति रखता है, तभी ऐसा संभव है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक मान्यताएं मूल्यों और मनोवृत्ति का एक सेट जो या तो यथापूर्व स्थिति या उसे बदलने की गतिविधि का कारण है और उसे उचित सिद्ध करता है कि वह किस रूप में जाना जाता है, तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों? एक प्रकार का वह विचारधारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विचारधारा कहलाएगा। निरंशाह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, इस बात को कहे हैं मैकाइवर एवं पेज ने। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहीकरण जो एक आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, कौन से समूह से संबंधित है दोस्तों? तो ये सभी है टास्क समूह से, जहाँ व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहीकरण होता है जो एक मुख्य उद्देश्य को एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, उसी को कहते हैं टास्क समूह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं सामाजिक सरलीकरण। क्या कहते हैं? सामाजिक सरलीकरण, यानी कि कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है, उसे सामाजिक सरलीकरण कहते हैं। सोशल फैसिलिटेशन का अर्थ होता है, सामाजिक सरलीकरण का अर्थ होता है कि दूसरों की उपस्थिति में खेल प्रदर्शन या किसी व्यवहार के कार्य को करने में प्रोत्साहन मिलना। इसी अर्थ में सामाजिक सरलीकरण को परिभाषित करते हुए बोरोन तथा वीने ने कहा है कि सामाजिक सरलीकरण का तात्पर्य दूसरों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप निष्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव पे है। मान लीजिए दोस्तों आप बहुत कोई खेल खेल रहे हैं, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आया है खेल देखने के लिए, तो आपका उत्साह और बढ़ जाएगा कि हाँ हमारे खेल को ये देखने आए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्कूल के जिले में कई छात्र और परिवारों के आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और उनकी शैक्षिक एवं और अन्य संसाधनों तक सीमित पहुंच है। एक समन्वित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा छात्रों के इस आबादी को सबसे पहले लाभ की संभावना प्रदान कर सकता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको ध्यान से इसको देखना होगा। ये कह क्या रहा है कि एक स्कूल के जिले में कई ऐसे छात्र परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों से जो उनकी शैक्षिक और अन्य संसाधनों तक जो पहुंच है वो भी सीमित है। तो एक समन्वित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से इस आबादी को सबसे बड़े लाभ की संभावना किससे होगी? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा कि स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा संगठनों के साथ स्कूल आधारित भागीदारी, इसका विशेष लाभ होगा उन सबको। यानी कि एक स्कूल में तो
यही भागीदारी यानी कि स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा संगठनों के साथ स्कूल आधारित भागीदारी ही यहाँ पे सबसे बड़ा लाभ प्रदान करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है, तो अनौपचारिक मतलब जो राज्य के कानून में नहीं है, समाज ने बनाया है एक रीति रिवाज ढोंग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे कानून हो गया, बल हो गया, शिक्षा, ये राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत आता है, बट रिवाज जो है या राज्य के अंतर्गत आएगा उसको औपचारिक कहेंगे। जो समाज अपने से बनाए रहता है उसको कहेंगे अनौपचारिक, ठीक है, जो कानून से बनता है यानी राज्य जो के नियंत्रण में रहता है उसको औपचारिक। तो यहाँ पे आपका रिवाज आपका राइट हो जाएगा, रिवाज क्या होगा आपका राइट होगा। यानी कि दोस्तों सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका रिवाज है। रिवाज सामाजिक रूप से लोगों को जीवन जीने के लिए सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। एंड अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है, जैसे प्रथाएं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, अलिखित नियम इत्यादि अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन है। परिवार जो है अनौपचारिक परिवार सामाजिक नियंत्रण की प्रमुख संस्था होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त संबंधों से उत्पन्न सामाजिक रिश्ते यानी वास्तविक और कल्पित और विवाह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, तो ये सभी चीज़ें नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज का आधारी एकक है, तो उनके अनुसार समाज का आधारी एकक है, डॉक्टर विल्सन के अनुसार समाज का आधारी एकक है परिवार। बात सही भी है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे के प्रसव के दौरान उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैली हुई है और भ्रूण का सिर जन्म नहरी में मूव करना शुरू करता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है ट्रांजिशन। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। एंड आप इसी तरह डेली बेसिस पे देखते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।